कैसे हैं आप सभी? ऐसा करते हैं आप लोग सब बड़े होंगे। तो यार गाइस, आज हम आ चुके हैं भट्टे पर और हम आपको दिखाएंगे भट्टे की जो ईंट किस तरह से पकाई जाती है और भट्टे में किस तरह से आँच जलाते हैं, किस तरह से क्या क्या करते हैं, हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो में बना रहना, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके ऊपर भूड़ा डाला जाएगा, अभी तवा लगाए हैं, फिर जैसे ये कुड्ढा लगाया जाएगा, तोड़े को डाल रहे हैं अभी। ईट इस तरह पकती हैं भट्टे में भाई, बहुत ही ज्ञान को चौक में डालकर जब ईट पकाया जाता है। जो ये चप्पल पैर रखी हैं ये लकड़ी की हैं, क्योंकि जो ये नॉर्मल चप्पल रहती हैं आँच का आगे टिक नहीं पाती। आप देख सकते हो बहुत ही तेज आँच जल रही है, लोहे को पिलगा देती है। अगर लोहे को इसमें डाला जाए तो इसका तापमान बहुत ही होता है, क्योंकि ईट बहुत ही कच्ची। फिर अब इसको ये भोड़ा डाला जाएगा। भोड़े को तुम मिलाते हो? ये भोड़ा रहता है जो ये रहता है जो अब जो ये है इसको ये कहा ईंट लगा रखी है, ठटाएंगे तुम ये जो ईंट है। हाँ तो ये है ये मोड़ी। हाँ अब इसको बंद करेंगे तो ये खुल जाएगा। कैसा है? अगर गलती से इसमें मतलब पैर पड़ जाए तो खत्म है भाई, फिर तो जलना तो है। अगर ज्यादा चला गया तो ज्यादा जलोगे, थोड़ा सा थोड़ा जलोगे। इसकी हीट मतलब इसकी गर्माई क्यों कहते हैं? मतलब अगर लोहे को इसमें थोड़ा घना देर रख ले तो लोहा को पिघला देती है। ये तो सब ठीक है भाई, आग से तो पता नहीं क्या मतलब पिघल जाता है। इतनी तेज आँच लगती है इसमें? अरे बहुत लगती है। लकड़ी की चप्पलें हैं हर जगह, चाहे चाहे ना जाए लेकिन घर जरूर जाए। अब फिर आपको बंदों की जरूरत पड़ेगी। अब तो दो गए, मैं इसलिए अरे नए ट्रेट में कुछ जाने से कोई दिक्कत नहीं होता आजकल। हाँ हम आपा खुद भी छोड़ते हैं भी, मतलब फोटो वोटो को कोई और छोड़ता है जब क्या दिक्कत है? नहीं तो अभी मजा रहा। क्या बना रहा है भाई वीडियो? खाना वाने से भी बनाते हो तुम? ये क्या सब्जी बन रही? सब्जी रोटी तो मतलब गैस बनाते हो? चूल्हा पर। चाय वाय सब बनाते सब?
ये तो बड़े जुगाड़। दो बंद भाग गए। हाँ वहीं जा रुकता था, मैंने उससे मना कर दिया रहा थी, मुनीम कह रहा था मुझसे ना ये भागेगा, मैंने भागेगा तो भाई मेरे पास मत आकर भाई। मैं जब भी आता हूँ जब भी लगे ही रहते हो तुम। कितना कितना घंटे काम करते हो? छः। फिर रात को आते हैं तब भी, अब भी छः। मतलब छः घंटा दिन में, छः घंटा रात में करते हो। और यहाँ भी ऐसे ही, मतलब ये जैसे ये यहाँ है सुरंग सी, इस जगह भी फिर हमारे पे यहाँ पैर पड़ेगा तो तब। मुझे मेरे माँ में इसलिए आन न देते, इसे नुकवा ये गिर उर जाती है। उनके कायदे से चेहरा को हम आ जाए के चाहिए जलन।